हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है टाइगर नागेश्वरा राव ये एक पेन इंडियन फिल्म थी जिसका मेन लैंग्वेज तेलुगु था इसके अलावा हिंदी तमिल तेलुगु हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया हुआ था तो ये फिल्म कैसे कहाँ पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग देंगे इसके अलावा फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है साथ ही में

एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्सा ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर जिसू सेन गुप्ता रेणु देसाई और अनुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर दिया गया पे बाद में इस फिल्म को एक सौ मिनट का रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्क्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गाँव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पांच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंता वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गाँ के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको

का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावानम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणु देसाई को दिया गया था एम एल का जो रोल था वो हरीश पिराडी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव उन्ेर को दिया गया था टाइगर के एडमायरर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था वो प्रदीप रावत ने प्ले किया हुआ था यारी यानी कि टाइगर के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ था कंचन लल्ला पलेम किशोर ने इसके अलावा जया राव का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ था प्रवीण दाचराम ने जो टाइगर के फ्रेंड का किरदार था ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत दिसंबर दो से की गई थी वामसी ने कहा हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे बायोग्राफिकल फिल्म होने वाले टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर जो नाइनटीन सेवन का एक चोर था जिस तरह हुई थी तब जिस वो उस के क्या यूज किया था उस सभी के कहानी होने वाली है एक रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन बाद में कुछ सोर्स से पता चला कि सभी चीजें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था कि नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीजें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो इक्कीस में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधी और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिनेमेटोग्राफी सीने, और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे करीबन पाँच एकड़ का एक आ, प्लेस था शमशाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहां इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेचवर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई दो तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो किया जा रहा था वो सभी कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थियेट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहां पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे, स्टार्टिंग में वो बातचीत करते हुए नजर आते जहाँ पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पी को आ, टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग अलग, एंग, अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीजें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाइकी बायोपिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज किया हुआ था जिस तरह से चीजें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीजों में डिटेलिंग नजर आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पे इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफी इफेक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पर कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे सेडेड वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्सन के साथ चीजें डिलीवर की हुई है वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जी सुसैन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेनू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भादभा जिस में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसने कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज जो रवि तेजा और एनिमिटी इन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफी बढ़िया थी जिस हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंसिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी का वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नेरेशन सेकेंड हाफ़ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में जी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वेब उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन का काम काफी एक खराब इम्पैक्ट डालता और नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीजें टॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नज़र आते स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट फेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीसी ओवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाती और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एक कम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इन फेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पेटोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसेस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट आप फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफिक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलुगु मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पर इसके ओ टी टी राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पर इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डव्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इन्जॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पैन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्ाह ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर जिसू सेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटागिरी के वेंकटेश्वरा के राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर दिया गया पे बाद में इस फिल्म को करीबन एक टाइम सत्तावन का रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सौ उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गाँव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंता वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा वीडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गाँ के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको

का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावानम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणु देसाई को दिया गया था एम एल का जो रोल था वो हरीश पिराडी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव उन्ेर को दिया गया था टाइगर के एडमायरर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था वो प्रदीप रावत ने प्ले किया हुआ था यारी यानी कि टाइगर के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ था कंचन लल्ला पलेम किशोर ने इसके अलावा जया राव का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ था प्रवीण दाचराम ने जो टाइगर के फ्रेंड का किरदार था ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत दिसंबर दो से की गई थी वामसी ने कहा हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे बायोग्राफिकल फिल्म होने वाले टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर जो नाइनटीन सेवन का एक चोर था जिस तरह उसने जो लाइफ जी हुई थी तब जिस तरह पैसों के उन्होंने क्या यूज किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबा इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन बाद में कुछ सोर्स से पता चला कि ये सभी चीजें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था कि नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीजें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो इक्कीस में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पे तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल बा, बा, रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर आरमदी और कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव को सिने, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो 2022 में स्टार्ट की हुई थी जहां पे करीबन 5 एकड़ का एक प्लेस था शमसाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सिक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को 2022 में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेचवर्क के साथ अप किया हुआ था जुलाई 2023 तक उसके बाद में, में काम का, का 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 है का का वो किया गया बोर्ड के तरफ से फिल्म को सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे, स्टार्टिंग में वो बातचीत करते तो हुए नजर आते जहां पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पीएम को टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाय बायोपिक है वो स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज किया हुआ था जिस तरह से चीज़ें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नजर आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफ़ी इफेक्टिव नज़र आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पर कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे सेडेड वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्शन के साथ चीजें डिलीवर की हुई है वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जी सुसैन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेनू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भादभा जिस में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज जो रवि तेजा और एनिमिटी इन, 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 के बीच में जो देखने को चीजें मिलती है वो काफी बढ़िया थी जिस हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंसिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पे कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी का वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में, में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी भ्रुटल नजर आता है नेरेसन सेकंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में जी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वेब उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वरा राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन का काम काफी एक खराब इम्पैक्ट डालता और नज़र आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीजें टॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नजर आते स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट फेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीसी ओवरऑल फिल्म नजर आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाते और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एकदम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट आप फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वे के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलुगु मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पर इसके ओ टी टी राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पर इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डब्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इन्जॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पैन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्सा ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर चिशुसेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटा कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज़ करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर दिया गया जहाँ पे बाद में इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम रखा गया ट्रीम वर्जन में जहाँ पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और 50 मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से तीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर शौक से उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स थे वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट्स सारे गांव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच से अपेम्बर दो को रिलीज़ करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा वीडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था बोस ने उस गाने को को 21 सितंबर 2023 द्वारा रिलीज करवाया हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको ऑफिशियली सारे गा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में मल्टीपल लैंग्वेजेज में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर टाइगर नागेश्वर राव जो टाइटल रोल है यानी कि नागी का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है रवि तेजा ने आई ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत का जो रोल है वो अनुपम खेर ने प्ले किया हुआ है जीसुसेन गुप्ता सीआई मोली के रोल में दिखाई देंगे डी विश्वनाथ शास्त्री का रोल मुरली शर्मा को दिया गया था मनी के रोल में गायत्री भारद्वाज देखने को मिलेगी जो टाइगर की वाइफ का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावा नम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेनु देसाई को, का, को दिया गया था टाइगर के एडमायर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जयावानी का इसके अलावा गजाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था जया, जयावानी तो वो रोल

जी हुई थी तब जिस तरह तो से उस पेशों के उन्होंने क्या यूज़ किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च ट्वें, ट्वेंटी न्थी न्थी में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबाती इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन बाद में कुछ सोर्सेज से पता चला कि ये सभी चीज़ें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था कि नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीज़ें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर रवि तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको उन्हों यह स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल बा, बा, रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिने, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे करीबन पाँच एकड़ का एक आ, प्लेस था शमशाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेच वर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई दो तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो किया जा रहा था वो सभी कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थियेट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसन को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसन है उसके ऊपर वो फिल्म में पे स्टार्टिंग में पे वो बातचीत करते हुए नजर आते जहाँ पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पी को आ, टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाय बायोपिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज किया हुआ था जिस तरह से चीजें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नजर आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफी इफेक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पे कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे सेडेड वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्शन के साथ चीजें डिलीवर की हुई है वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जिसुसेन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेणू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलते वो भी अच्छी नजर आ रही थी नूपुर सेन गायत्री भादभा जिस फिल्म में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रहे थे लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज जो रवि तेजा और एनिमिटी इन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जी हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी ये भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंसिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी वो लंबी लंबी खींची हुई नज़र आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नज़र आता है नेरेसन सेकेंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में जी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वेफ उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन एफ एक्स का काम काफी एक खराब इम्पेक्ट डालता हुआ नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ चीजें चॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नज़र आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट पेस के साथ साथ सेकंड हाफ में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीस एवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाती और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एक कम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इन फेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसिस एब्सुलटली बेस्ट थी फर्स्ट आप फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफिक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नजर आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलगू मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डव्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इंजॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पैन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्ाहा ने मिलकर तैयार किया हुआ था

कम कर दिया गया जहाँ पे बाद में इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम रेख रखा गया ट्रीम वर्जन में जहाँ पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रीम करके दो घंटे से तीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड को सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गाँव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंता वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गां के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको

का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावा नाम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेनू देसाई को दिया गया था एम एल ए यलामंदा का जो रोल था वो हरीश पेराड़ी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव नेर को दिया गया था टाइगर के एडमायरर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था वो

जी हुई थी तब जिस तरह से उस पेशों को उन्होंने क्या यूज़ किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च ट्वेंट ट्वेंट ट्वेंटी में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबाती इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते लेकिन बाद में कुछ सोर्सेज से पता चला कि ये सभी चीज़ें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकती है लेकिन लेटर वन वो सभी चीज़ें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर रवि तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको यह स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल बा, बा, रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिने, सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे करीबन पाँच एकड़ का एक आ, प्लेस था शमसाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेजवर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई दो तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो किया जा रहा था वो सभी कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थियेट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करें अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे स्टार्टिंग में पे वो बातचीत करते हुए नज़र आते जहाँ पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पीएम को टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकेंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल अल� दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाइक कि बायोपिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज किया हुआ था जिस तरह से चीजें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीजों में डिटेलिंग नजर आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफी इफेक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए हैं या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पे कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे से वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्सन के साथ चीजें डिलीवर की हुए वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जी सुन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेणु देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भारद्वाज इस फिल्म में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते जो रवि तेजा और एनिमिटी इन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफी बढ़िया थी जी सुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंसिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी का वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नेरेसन सेकेंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में जी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वे उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन एफएक्स एक्स का काम काफी एक खराब इम्पेक्ट डालता हुआ नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीजें चॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नजर आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट पेस के साथ साथ सेकंड हाफ में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीस एवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाते और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एक कम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वर राव ओवरऑल एक इन फेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसिस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफिक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलुगू मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉस मिला जिसके चलते आई पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस

वर्जन के लिए इसका मतलब यह फिल्म आपको एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डब्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इन्जॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्सा ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर चिशुसेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटा कोटागिरी वेंटेश्वरा राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर पे बाद में इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और आ, पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड को सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गाँव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी काश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच सेप्टेम्बर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंता वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गाँ के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको को ऑफिशियली uh, सारे कमांड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर टाइगर नागेश्वर राव जो टाइटल रोल है यानी कि नागी का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है रविजा ने आई ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत का जो रोल है वो अनुपम खेर ने प्ले किया हुआ जिसू से गुप्ता सीआई मौली के रोल में दिखाई देंगे डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री का रोल मुरली शर्मा को दिया गया था मनी के रोल में गायत्री भारद्वाज देखने को मिलेगी जो टाइगर की वाइफ का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलथा लावान जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणु दे को दिया गया था एम एल का जो रोल था वो हरीश पेराडी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव को दिया गया था टाइगर के एडमायर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेट का जो रोल था वो प्रदीप रावत ने प्ले किया हुआ था यारी यानी कि टाइगर के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ था कंचन लल्ला पलेम किशोर ने इसके अलावा जया राव का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ था प्रवीण दाचराम ने जो टाइगर के फ्रेंड का किरदार था ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत दिसंबर दो से की गई थी वामसी ने कहा हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे बायोग्राफिकल फिल्म होने वाले टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर था जिस उसने जो जी हुई थी तब जिस कि राणा दगुबाती रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ सोर्सेज से पता चला कि सभी चीजें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था कि नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीजें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो इक्कीस में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पे तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल बा, बा, रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिने, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे करीबन पाँच एकड़ का एक आ, प्लेस था शमशाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेजवर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई दो तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो किया जा रहा था वो सभी कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को सर्टिफिकेट मीटिंग तो तो रखते कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहां सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर स्टार्टिंग में बातचीत करते हुए नजर आते जहां पे राघवेंद्र राजपूत कहते हैं you पीएम एम को टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ शास्त्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाइक कि बायोपिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज़ किया हुआ था जिस तरह से चीज़ें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नज़र आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफ़ी इफेक्टिव नज़र आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पर कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात तारीफ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे से वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्शन के साथ चीजें डिलीवर की हुए, वो काफी बढ़िया है। पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जी सुन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेनू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भारद्वाज इस फिल्म में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज थे जो रवि तेजा और एनिमिटी इन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जिस हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंक्सिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं देख सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नरे सन सेकंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में जी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी अच्छी तरह से की गई थी वेब फेक्स उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन एफएक्स एक्स का काम काफी एक ख़राब इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीज़ें टॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नजर आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट फेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीस एवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डैमेज नहीं कर पाती और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एकदम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वर राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसिस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफिक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलुगु मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो Prime प्राइम के ऊपर तो हिंदी कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे जहाँ पे फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर टाइगर नागेश्वर राव जो टाइटल रोल है यानी कि नागी का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है रवि तेजा ने आई ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत का जो रोल है वो अनुपम खेर ने प्ले किया हुआ है जीसुसेन गुप्ता सी आई के रोल में दिखाई देंगे डी विश्वनाथ शास्त्री का रोल मुरली शर्मा को दिया गया था मनी के रोल में गायत्री भारद्वाज देखने को मिलेगी जो टाइगर की वाइफ का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावा नाम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणू देसाई को दिया गया था एम एल ए यलामंदा का जो रोल था वो हरीश पेराडी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव उर को दिया गया था टाइगर के एडमायरर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था वो

जी हुई थी तब जिस तरह तो से उस पेशों को उन्होंने क्या यूज़ किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च ट्वेंट ट्वेंटी इन्ट में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबाती इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते लेकिन बाद में कुछ सोर्सेज से पता चला कि ये सभी चीज़ें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था नानी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकती है लेकिन लेटर वन वो सभी चीज़ें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर रवि तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको यह स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल बा, 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 रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिनेमाटोग्राफी सीने, और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कन्फर्म किया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहां पर करीबन पांच एकड़ का एक प्लेस था शमसाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेज वर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई 2023 तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी जी आई का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है का का वो किया जा रहा था वो सभी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे, स्टार्टिंग में वो बातचीत करते हुए नजर आते जहां पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पीएम को आ, टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकेंड हाफ में उसका एक और अंग, अलग एंगल अल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाइक कि बायोफिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज़ किया हुआ था जिस तरह से चीज़ें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नज़र आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफ़ी इफेक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पे कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे एडेड वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्सन के साथ चीजें डिलीवर की हुई वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जी सुन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेणु देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भारद्वाज इस फिल्म में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज से जो रवि तेजा और एनिमिटी एन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जी सुसेन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंक्सिंग मैनर में दिखाए गए थे यहाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी का वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रोटल नजर आता है नेरेसन सेकेंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में टीवी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वेफ उतना कुछ खास था नहीं एक्सन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन फ एक्स का काम काफी एक ख़राब इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीज़ें टॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नजर आते स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट फेस के साथ साथ सेकंड हाफ में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीसे ओवरऑल फिल्म नजर आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाते और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एकदम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वे के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलगू मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ... दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डब वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इंजॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्सा ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर चिशुसेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटागिरी के वेंकटेश्वरा के राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर पे बाद में इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और आ, पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड को सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गाँव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी काश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंता वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गाँ के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको आपको ऑफिशियली uh, सारे गवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर टाइगर नागेश्वर राव जो टाइटल रोल है यानी कि नागी का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है रवि तेजा ने आई ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत का जो रोल है वो अनुपम खेर ने प्ले किया हुआ है जिसुसेन गुप्ता सी आई मोरली के रोल में दिखाई देंगे डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री का रोल मुरली शर्मा को दिया गया था मनी के रोल में गायत्री भारद्वाज देखने को मिलेगी जो टाइगर की वाइफ का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो अनुपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावानम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणु देसाई को दिया गया था एम एल का जो रोल था वो हरीश पेराड़ी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव को दिया गया था टाइगर के एडमायरर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेट का जो रोल था वो प्रदीप रावत ने प्ले किया हुआ था यारी यानी कि टाइगर के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ था कंचर लला पलेम किशोर ने इसके अलावा जया राव का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ था प्रवीण दाचराम ने जो टाइगर के फ्रेंड का किरदार था ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत दिसंबर दो से की गई थी वामसी ने कहा हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे बायोग्राफिकल फिल्म होने वाले टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर जो नाइनटीन सेवन का एक चोर था जिस तरह से जो लाइफ जी हुई थी तब जिस तरह से उन्होंने क्या यूज़ किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च ट्वेंट ट्वेंट ट्वेंटी में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबाती इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन बाद में कुछ सोर्स से पता चला कि ये सभी चीज़ें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीज़ें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो इक्कीस में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिने, सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहां पे करीबन पांच एकड़ का एक था, प्लेस था शमसाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सिक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेज वर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई 2023 तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी जी आई का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है का का वो किया जा रहा था वो सभी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे, स्टार्टिंग में वो बातचीत करते तो हुए नजर आते जहां पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पीएम एम को आ, टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ शास्त्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाइक कि बायोफिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज़ किया हुआ था जिस तरह से चीज़ें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नज़र आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफ़ी इफेक्टिव नज़र आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पे कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात तारीफ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे से वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्शन के साथ चीजें डिलीवर की हुए, वो काफी बढ़िया है। पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जीसुसेन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेनू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भारद्वाज इस फिल्म में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज थे जो रवि तेजा और एनिमिटी इन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जिस हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंक्सिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं देख सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नरे सन सेकंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में टी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी अच्छी तरह से की गई थी वेब एक्स उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन एफएक्स का काम काफी एक खराब इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीजें चॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नज़र आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट फेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीस एवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डैमेज नहीं कर पाती और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एकदम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसिस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफिक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नजर आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलगू मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी ए करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्सन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डब्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इंजॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विस्ाह ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्ाह ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर जिसुसेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटा गिरी वेंकटेश्वरा राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफी ज्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर गया पे बाद में इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी, जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गाँव एंटरटेनमेंट ने खरीदे हुए थे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच सेप्टेम्बर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंतावे के जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गाँ के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको ऑफिशियली uh, सारे गां के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर टाइगर नागेश्वर राव जो टाइटल रोल है यानी कि नागी का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है रवि तेजा ने आई ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत का जो रोल है वो अनुपम खेर ने प्ले किया हुआ है जिसुसेन गुप्ता सी आई मोली के रोल में दिखाई देंगे डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री का रोल मुरली शर्मा को दिया गया था मनी के रोल में गायत्री भारद्वाज देखने को मिलेगी जो टाइगर की वाइफ का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नुपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावानम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणु देसाई को दिया गया था एमएलए यलमंदा का जो रोल था वो हरीश पेराडी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव को दिया गया था टाइगर के एडमायर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था वो प्रदीप रावत ने प्ले किया हुआ था यारी यानी कि टाइगर के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ था कंचन लल्ला पलेम किशोर ने इसके अलावा जया राव का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ था प्रवीण दाचराम ने जो टाइगर के फ्रेंड का किरदार था ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत दिसंबर दो से की गई थी वामसी ने कहा हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे बायोग्राफिकल फिल्म होने वाले टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर जो नाइनटीन सेवन का एक चोर था जिस तरह उसने जो लाइफ जी हुई थी तब जिस वो उस के क्या यूज किया था उस सभी के कहानी होने वाली है लेकिन बाद में कुछ सोर्स से पता चला कि सभी चीजें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीजें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो इक्कीस में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहां पर तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल बा, 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 रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली लिए वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिने, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे करीबन पाँच एकड़ का एक प्लेस था शमशाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हजराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नुपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेचवर्क के साथ रेप अप किया हुआ था जुलाई दो तक उसके बाद में साथ में इस फिल्म का वी एफ एक्स का सीजीआई का, का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो किया जा रहा था वो सभी चीजें कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थियेट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई बी चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे, स्टार्टिंग में वो बातचीत करते हुए नजर आते जहाँ पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पी को टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ शास्त्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल अल� दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाय बायोफिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज़ किया हुआ था जिस तरह से चीज़ें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नज़र आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफ़ी इफेक्टिव नज़र आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब इस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पर कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे सेडेड वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्सन के साथ चीजें डिलीवर की हुई है वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जीसुसेन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेनू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भादवाज जिस में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसने कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज से जो रवि तेजा और एनिमिटी एन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफी बढ़िया थी जिस हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंक्सिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नेरे सन सेकंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी नोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीजें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में जीवी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी अच्छी तरह से की गई थी वेब फेक्स उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन का काम काफी एक खराब इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीजें टॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नजर आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट पेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीसी ओवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाते और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एक कम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसेस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफिक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलगू मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ टी टी राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जन के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डव्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इंजॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पैन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्ाह ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर जिसू सेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर दिया गया पे बाद में इस फिल्म को एक सौ मिनट का रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले द, दो घंटे और पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सौंग उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गाँव इंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंता वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा वीडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गाँ के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको

का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता नाम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणु देसाई को दिया गया था एम एल का जो रोल था वो हरीश पिराडी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव उन्ेर को दिया गया था टाइगर के एडमायरर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था वो प्रदीप रावत ने प्ले किया हुआ था यारी यानी कि टाइगर के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ था कंचन लल्ला पलेम किशोर ने इसके अलावा जया राव का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ था प्रवीण दाचराम ने जो टाइगर के फ्रेंड का किरदार था ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत दिसंबर दो से की गई थी वामसी ने कहा हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे बायोग्राफिकल फिल्म होने वाले टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर जो नाइनटीन सेवन का एक चोर था जिस तरह उसने जो लाइफ जी हुई थी तब जिस तरह पैसों के उन्होंने क्या यूज किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबा इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन बाद में कुछ सोर्स से पता चला कि ये सभी चीजें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था कि नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीज़ें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो किस में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधी और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिने, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे करीबन पाँच एकड़ का एक आ, प्लेस था शमशाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेचवर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई दो तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो किया जा रहा था वो सभी कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहां पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करें अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे स्टार्टिंग में पे वो बातचीत करते हुए नजर आते जहाँ पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पीएम एम को टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाइक बायोपिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज किया हुआ था जिस तरह से चीजें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीजों में डिटेलिंग नजर आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफी इफेक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पर कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे सेडेड वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्शन के साथ चीजें डिलीवर की हुई है वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जी सुसैन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेनू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भादवाज जिस में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसने कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज से जो रवि तेजा और एनिमी एनिमिटी एन, एन, के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जिससेन गुप्ता हरीश पेराडी ये भी इस फिल्म काफ़ी कन्विक्सिंग में काफ़ी कन्विंक्सिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पे कुछ अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नेरे सेकंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में जी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वेब उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वरा राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन स का काम काफी एक खराब इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीजें टॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नज़र आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट फेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीसें ओवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाती और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एक कम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इन फेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसेस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वे के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलुगु मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पर इसके ओ टी टी राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पर इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डव्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इन्जॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पैन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्ाह ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर चीसुसेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर दिया गया पे बाद में इस करीबन एक सौ सत्तावन मिनट का रन टाइम रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और 50 मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से तीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट्स थे वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट्स सारे गाँव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंतावे कर के जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गां के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको

का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता

की हुई थी तब जिस तरह से उस पेशों के उन्होंने क्या यूज़ किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च ट्वेंटी में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबाती इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन बाद में कुछ सोर्स से पता चला कि ये सभी चीज़ें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था कि नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीज़ें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर रवि तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको उन्हों यह स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल बा, बा, रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिनेमेट, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे करीबन पाँच एकड़ का एक आ, प्लेस था शमशाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेच वर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई दो तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो किया जा रहा था वो सभी कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थियेट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे स्टार्टिंग में वो बातचीत करते हुए नजर आते जहाँ पे राघवेंद्र राजपूत कहते हैं कि पीएम को टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए टाइगर नागेश्वरा राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक रू थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ़ में उसका एक और अंग, अलग, एंग, अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाय बायोफिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज़ किया हुआ था जिस तरह से चीज़ें दिखाई हुई थी उनका एफ़र्ट उनकी रिसर्च काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नज़र आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफ़ी एक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पे कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे सेडेड वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्शन के साथ चीजें डिलीवर की हुई है वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जिसुसेन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेणु देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलते वो भी अच्छी नजर आ रही थी नूपुर सेन गायत्री भादवाज जिस फिल्म में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रहे थे लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज जो रवि तेजा और एनिमिटी इन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जिस हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी ये भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंसिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीजें थोड़ी वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह से फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नेरेशन सेकेंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में टी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वेफ उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन एफ एक्स का काम काफी एक खराब इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ चीजें चॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नजर आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट पेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीसी ओवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाती और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एकदम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वर राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पेटोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट आप फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वे के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलगू मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डब वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इंजॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पैन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्सा ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर चीसुसेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटागिरी के वेंकटेश्वरा के राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर दिया गया जहां पे बाद में इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम रेख रखा गया ट्रीम वर्जन में जहाँ पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रीम करके दो घंटे से तीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड को सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गाँव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पाँच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंता वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में विडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गां के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको ऑफिशियली uh, सारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर टाइगर नागेश्वर राव जो टाइटल रोल है यानी कि नागी का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है रवि तेजा ने आई ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत का जो रोल है वो अनुपम खेर ने प्ले किया हुआ है जीसुसेन गुप्ता सी आई के रोल में दिखाई देंगे डी विश्वनाथ शास्त्री का रोल मुरली शर्मा को दिया गया था मनी के रोल में गायत्री भारद्वाज देखने को मिलेगी जो टाइगर की वाइफ का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावा नाम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेनू देसाई को दिया गया था एम एल ए यलामंदा का जो रोल था वो हरीश पेराड़ी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव उन्र को दिया गया था टाइगर के एडमायरर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था वो

हुई थी तब जिस तरह से उस पेशों को उन्होंने क्या यूज़ किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च ट्वें, ट्वें, ट्वेंटी में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबाती इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते लेकिन बाद में कुछ सोर्सेज से पता चला कि ये सभी चीज़ें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकती है लेकिन लेटर वन वो सभी चीज़ें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर रवि तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको यह स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल बा, बा, रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव को सिनेमेट सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 2022 में स्टार्ट की हुई थी जहां पे करीबन 5 एकड़ का एक प्लेस था शमसाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सिक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेचवर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई 2023 तक उसके बाद में में साथ ही जी आई का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो वो किया जा रहा था वो सभी चीज़ें करने के के बाद फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ लिए तैयार किया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे, स्टार्टिंग में वो बातचीत करते तो हुए नजर आते जहां पे राघवेंद्र राजपूत कहते हैं थे कि पीएम को टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकेंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाइक कि बायोपिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज किया हुआ था जिस तरह से चीजें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीजों में डिटेलिंग नजर आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफी इफेक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पे कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे से वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्शन के साथ चीजें डिलीवर की हुए वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जी सुसैन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेणु देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भारद्वाज इस फिल्म में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज से जो रवि तेजा और एनिमी एनिमिटी एन, 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 के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जी सुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंसिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी का वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नेरेसन सेकेंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में टी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वे उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन एफ एक्स का काम काफी एक खराब इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ चीजें चॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नजर आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट पेस के साथ साथ सेकंड हाफ में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीसी ओवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाते और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एकदम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट आप फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफिक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलु मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉस मिला जिसके चलते आई पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ... दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ टी टी राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डब्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी पे इंजॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विश्वा ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्सा ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर चिशुसेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आरमती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटागिरी के वेंकटेश्वरा के राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर पे बाद में इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और आ, पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके दो घंटे से मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा बैकग्राउंड को सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स जिन्होंने पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गांव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी काश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पांच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे सुकुंता वे करके जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गा के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको ऑफिशियली uh, सारे गमा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर टाइगर नागेश्वर राव जो टाइटल रोल है यानी कि नागी का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है रवि तेजा ने आई ऑफिसर राघवेंद्र राजपूत का जो रोल है वो अनुपम खेर ने प्ले किया हुआ है जिसुसेन गुप्ता सी आई मोरली के रोल में दिखाई देंगे डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री का रोल मुरली शर्मा को दिया गया था मनी के रोल में गायत्री भारद्वाज देखने को मिलेगी जो टाइगर की वाइफ का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावानम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणु देसाई को दिया गया था एम एल का जो रोल था वो हरीश पेराड़ी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव को दिया गया था टाइगर के एडमायरर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेट का जो रोल था वो प्रदीप रावत ने प्ले किया हुआ था यारी यानी कि टाइगर के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ था कंचलरल्ला पलेम किशोर ने इसके अलावा जया राव का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ था प्रवीण दाचराम ने जो टाइगर के फ्रेंड का किरदार था ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत दिसंबर दो से की गई थी वामसी ने कहा हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे बायोग्राफिकल फिल्म होने वाले टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर जो नाइनटीन सेवन का एक चोर था जिस तरह से जो लाइफ जी हुई थी तब जिस तरह से उन्होंने क्या यूज़ किया था उस सभी चीज़ों के ऊपर कहानी होने वाली है इसके अलावा अर्ली मार्च ट्वेंटी ट्वें 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 में एक अनाउंसमेंट होने वाली थी कि राना दगुबाती इस फिल्म में एक रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन बाद में कुछ सोर्सेज से पता चला कि ये सभी चीज़ें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीज़ें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो इक्कीस में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहां पर तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो इस स्क्रिप्ट से काफी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पे इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधे और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिने, सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग के लिए आ, रिस्पेक्टिवली कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहां पे करीबन पांच एकड़ का एक प्लेस था शमसाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सिकवेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेज वर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई 2023 तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी जी आई का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है का का वो किया जा रहा था वो सभी चीज़ें कम्प्लीट करने के बाद फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे स्टार्टिंग में पे वो बातचीत करते हुए नजर आते जहाँ पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पी को टाइगर नागेश्वर राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ सात्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीज़ें अं फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाय बायोपिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज किया हुआ था जिस तरह से चीज़ें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नजर आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर तो पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफ़ी इफेक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रू के या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब जिस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पे कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात तारीफ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे से वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्शन के साथ चीजें डिलीवर की हुए, वो काफी बढ़िया है। पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जीसुसेन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेनू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती है वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भारद्वाज इस फिल्म में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज से जो रवि तेजा और एनिमिटी के बीच में जो देखने को चीज़ें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जिस हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंक्सिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं देख सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नरे सन सेकंड हाफ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में टी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी अच्छी तरह से की गई थी वेब एक्स उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन एफएक्स एक्स का काम काफी एक खराब इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीजें चॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नज़र आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट फेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीस एवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाती और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एक कम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसिस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफेक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलगू मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छ की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वर्जन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ राइट्स थे वो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जनस के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डब्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इंजॉय कर पाओगे टाइगर नागेश्वरा राव ये एक 2023 की तेलुगु लैंग्वेज पेन इंडियन फिल्म है जिसको तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था ये एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वामसी ने जो स्टोरी आइडिया था वो वामसी का था उसके ऊपर श्रीकांत विस्ाह ने डायलॉग्स लिखे हुए थे स्क्रीन प्ले वामसी और श्रीकांत विस्ाह ने मिलकर तैयार किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में रवि तेजा अनुपम खेर चिशुसेन गुप्ता रेणु देसाई और नुपुर सेनन थे फिल्म की टेक्निकल टीम में आर मती ने सिनेमाटोग्राफी की हुई थी कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने एडिटिंग की हुई थी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था यानी कि फिल्म करीबन तीन घंटे दो मिनट लंबी थी उसके बाद में फिल्म को रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि फिल्म का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते करीबन पच्चीस तीस मिनट जितना इस फिल्म का रन टाइम कम कर दिया गया पे बाद में इस फिल्म को करीबन सत्तावन मिनट का रन टाइम रखा गया ट्रीम वर्जन में जहां पे करीबन दो घंटे सैंतीस मिनट लंबी फिल्म आपको बाद में थिएटर में देखने को मिली होगी दूसरे दिन से तो इस तरह से इसमें रन टाइम को भी ट्रीम किया हुआ था वैसे इससे पहले दो घंटे और पचास मिनट तक का रन टाइम दिया था उसके बाद में और ट्रिम करके घंटे मिनट का रन टाइम रखा हुआ था अब बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में तो जीवी जीवी प्रकाश कुमार का म्यूजिक को मिलेगा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स उन्होंने ही कंपोज किए हुए प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स पचास करोड़ के बजट में एक हाई बजट फिल्म कह सकते रवि तेजा के हिसाब से उस बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है फिल्म के म्यूजिक के राइट से वो काफी अच्छी खासी प्राइस में बिके हुए थे फिल्म में सिर्फ तीन ही गाने थे जिसके राइट सारे गांव एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जीवी कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे फिल्म का पहला सिंगल एकदम एकदम उसको पांच सेप्टेंबर दो को रिलीज करवाया गया था भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था इच्छे जो गाना था वो भी भास्कर भाटला ने लिखा हुआ था सिंदूरी विशाल ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा विडू करके जो गाना था जिसको हिंदी में भिडू नाम दिया हुआ था उसको लिखा हुआ था चंद्र बोस ने उस गाने को 21 सितंबर 2023 को सारे गा के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उसको अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था फिलहाल में सभी गाने आपको ऑफिशियली सारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो नागेश्वर राघवेंद्र राजपूत का जो रोल है वो अनुपम खेर ने प्ले किया, हुआ है, है, प्ले किया हुआ है जिसुसेन गुप्ता सीआई मोली के रोल में दिखाई देंगे डीएसपी विश्वनाथ शास्त्री का रोल मुरली शर्मा को दिया गया था मनी के रोल में गायत्री भारद्वाज देखने को मिलेगी जो टाइगर की का रोल था सारा जो का जो किरदार था जो टाइगर का लव इंटरेस्ट था वो नूपुर सेना ने प्ले किया हुआ है हेमलता लावानम जो एक सोशल रिफॉर्मर थी वो रोल रेणु देसाई को दिया गया था एमएलए यलमंदा का जो रोल था वो हरीश पेराडी ने प्ले किया हुआ था यलमंदा के जो भाई का रोल था यानी कि काशी का वो सुदेव को दिया गया था टाइगर के एडमायर और जयराव के लव इंटरेस्ट का जो रोल था यानी कि जया जयावानी का तो वो रोल प्ले किया हुआ था अनुकृति वास ने इसके अलावा गज्जाला प्रसाद जो टाइगर का ट्रेनर था वो रोल नजर ने प्ले किया हुआ था टाइगर के फादर के रोल में आपको आदू कलाम नरेंद्र देखने को मिलेंगे कलकत्ता सेठ का जो रोल था वो प्रदीप रावत ने प्ले किया हुआ था यारी यानी कि टाइगर के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ था कंचन लल्ला पलेम किशोर ने इसके अलावा जया राव का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ था प्रवीण दाचराम ने जो टाइगर के फ्रेंड का किरदार था ये फिल्म के लिए प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे इस फिल्म की डेवलपमेंट की शुरुआत दिसंबर दो से की गई थी वामसी ने कहा हुआ था कि वो एक फिल्म बना रहे बायोग्राफिकल फिल्म होने वाले टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर जो नाइनटीन सेवन का एक चोर था जिस तरह उसने जो लाइफ जी हुई थी तब जिस वो उस के क्या यूज किया था उस सभी के कहानी होने वाली है लेकिन बाद में कुछ सोर्स से पता चला कि सभी चीजें डिसमिस हुई है अर्ली जून में पता चला था नानी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन वो सभी चीजें भी खारिज हुई थी अप्रैल दो इक्कीस में पता चला था कि वामसी और रवि तेजा ने हैदराबाद में एक मीटिंग की हुई है जहाँ पर तेजा खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके बाद में उन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी वो स्क्रिप्ट से काफ़ी इंप्रेस हुए थे उसके बाद में उन्होंने टाइगर नागेश्वर राव की जो ये अनक्लियर कुछ चीज़ें थी स्क्रिप्ट में उसको नई स्क्रिप्ट तैयार करके लाने को बोला तीन नवंबर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई थी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा उनके बैनर के नीचे कि उनका बैनर है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स उसके नीचे इस फिल्म को बनाया जाएगा जहाँ पर इस फिल्म का बजट अराउंड पचास करोड़ के आसपास होने वाला है अनाउंसमेंट के बाद टाइटल रिवील किया गया था जहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव फिल्म दिया टाइटल दिया गया था और ये बायोलॉजिकली एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली वो कंफर्म किया गया जीवी प्रकाश कुमार को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया गया था वहीं पे आर मधी और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव को सिने, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए कंफर्म किया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो दो में स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे करीबन पाँच एकड़ का एक आ, प्लेस था शमशाबाद में जो तेलंगाना में आता है वहाँ पे एक बड़ा सेट कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग को किया हुआ था इस शूटिंग के दौरान रवि तेजा एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सर शुरुआत में ही इंजर हो चुके थे उस वजह से फिल्म की शूटिंग को एक दो दिन रोकना पड़ा था उसके बाद में जब रिकवर हुए बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था नपुर सेना ने नूपुर सेना और अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट को दो में ही ज्वाइन किया हुआ था इस पूरी फिल्म की शूटिंग को पेच वर्क के साथ रेपअप किया हुआ था जुलाई दो तक उसके बाद में साथ ही में इस फिल्म का वी का सी का काम है पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो किया जा रहा था वो सभी कंप्लीट करने के बाद फिल्म को थियेट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया गया जहां पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कहानी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो आई चीफ राघवेंद्र राजपूत वो रोल प्ले करे अनुपम खेर तो उनके साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे वो एक मीटिंग रखते हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ जहाँ पे वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर वो फिल्म में पे स्टार्टिंग में वो बातचीत करते हुए नजर आते जहाँ पे राघवेंद्र राजपूत कहते थे कि पीएम को को टाइगर नागेश्वरा राव की तरफ से कुछ थ्रेट मिले हुए हैं टाइगर नागेश्वर राव यानी कि रवि तेजा की तरफ से एक थ्रेट मिले हुए एक थ्रेस क्रिमिनल है वो तो उस थ्रेट को बचने के लिए ऊपर ही मीटिंग रखी गई थी विश्वनाथ शास्त्री यानी कि मुरली शर्मा वो एक पुलिस ऑफिसर है वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव क्रिमिनल किस तरह से बने फिल्म के सेकंड हाफ में उसका एक और अंग, अलग, एंग, अलग एंगल दिखाया जाता है तो ये सभी चीजें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है इस फिल्म की जो बाई बायोपिक है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना थोड़ा रिस्की वाला काम है लेकिन टाइगर नागेश्वर राव फिल्म के साथ मेकर्स ने हमें सरप्राइज़ किया हुआ था जिस तरह से चीजें दिखाई हुई थी उनका एफर्ट उनकी रिसर्च काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी हर एक चीज़ों में डिटेलिंग नजर आ रही थी पीरियड एक्शन ड्रामा के तौर पर इस फिल्म में डिटेलिंग थी वो काफ़ी एक्टिव नजर आती है एक्चुअली में टाइगर नागेश्वर राव एक क्रूक है या उसने कुछ क्राइम कमिट किए हुए या तो फिर वो एक अच्छा इंसान है वो सभी चीज़ों के सवालों के जवाब इस फिल्म में जिस तरह से जो दिखाए हुए वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है वो भी अच्छी थी रवि तेजा एज एक्टर के तौर पर कभी फेल नहीं हुए और इस फिल्म में भी वो एज एक्टर के तौर पर काफ़ी का एक क्लास वाली परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली इस किरदार में जान फूकी हुए उन्होंने जिस तरह से एक स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसके लाजवाब है उनकी बात की तारीफ करनी पड़ेगी उनके जो किरदार थे ग्रे से वाले उन्होंने इजीली इस किरदार को निभाया हुआ है मास महाराजा ने इस फिल्म में जिस तरह से कन्विक्सन के साथ चीजें डिलीवर की हुई है वो काफी बढ़िया है पता चलता है खून पसीना एक करके उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत लगाई हुई है अनुपम खेर जी सुन गुप्ता नजर जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलते जो बखूबी अपने रोल को निभाते हुए नजर आते इसके अलावा रेनू देसाई काफी लंबे समय के बाद एक लिमिटेड रोल में देखने को मिलती वो भी अच्छी नजर आ रही थी नोपुर सेन गायत्री भारद्वाज इस में एक पास मास्टर के तौर पे ली गई थी उनके रोल फिल्म की कहानी के साथ उसमें कुछ खास जा नहीं रही थी लेकिन जिस तरह से उनका काम था वो बढ़िया था इसके अलावा फर्स्ट हाफ फिल्म का एंगेजिंग था इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलते एनिमीज थे जो रवि तेजा और एनिमिटी के बीच में जो देखने को चीजें मिलती है वो काफ़ी बढ़िया थी जिस हुसैन गुप्ता हरीश पेराडी जी भी इस फिल्म में काफ़ी कन्विंसिंग मैनर में दिखाए गए थे हाँ फिल्म का सेकंड हाफ है वहाँ पर कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं लेकिन लेंथी रन टाइम के चलते फिल्म चीज़ें थोड़ी वो लंबी लंबी खींची हुई नजर आने लगती है वैसे बाद में इस फिल्म को ट्रिम भी किया हुआ था तो एक्सपीरियंस थोड़ा वैसे भी चेंज हो जाता है वायलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है उसको और बेहतर मैनर में उसको सभी टाइप के ऑडियंस शायद नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल नजर आता है नेरेसन सेकंड हाफ़ का था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था बायोपिक थी अननोन पर्सन की उसके बाद में उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स अवॉइड करने चाहिए थे तो चीज़ें क्रिस्प रह जाती सेंसिटिव टॉपिक को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था उसके बाद में टी प्रकाश कुमार का एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स फिल्म को सपोर्ट करता है हाँ गाने कुछ ठीक ठाक थे वहीं पर कुछ गाने अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी वेब उतना कुछ खास था नहीं एक्शन ब्लॉक फिल्म के काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए हुए थे जो क्राइम सीन फिल्माए गए फिल्म में नागेश्वर राव के ऊपर वो भी अच्छी तरीके से किए गए थे लेकिन स का काम काफ़ी एक ख़राब इम्पेक्ट डालता हुआ नजर आता है एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी फर्स्ट हाफ की एडिटिंग अच्छी थी सेकंड हाफ में चीज़ें टॉपअप की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर वामसी ने जो एक काम किया हुआ है वो एक डिसेंट नजर आता है स्क्रिप्ट अच्छी थी रिसर्च अच्छी थी डिटेलिंग के साथ चीज़ें भी दिखाई गई थी स्टोर प्रोग्राम के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने कन्वे की हुई थी वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आ रही थी फर्स्ट हाफ काफ़ी फास्ट पेस के साथ साथ सेकंड में काफ़ी अननेसेसरी सीन्स थे उसको बेटर किया जा सकता था अगर ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार लेते थोड़ी बेहतर कर लेते तो ये जो एक क्लीसी ओवरऑल फिल्म नज़र आ रही थी वहाँ पर वो चीज़ें डेमेज नहीं कर पाती और फिल्म अच्छी निकल सकती थी वामसी ने एक कम अच्छा मौका मिस कर दिया कुल मिला के टाइगर नागेश्वरा राव ओवरऑल एक इनफेमस पर्सन की रिकॉर्ड की कहानी है जहाँ पे स्टोटपुरम के लोगों के लिए वो क्या बदलाव लाता है किस तरह से लाता है उसके ऊपर बताया हुआ स्टोरी अच्छी थी रवि तेजा की परफॉर्मेंसेस एब्सुलेटली बेस्ट थी फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग था सेकंड हाफ थोड़ा स्लो डाउन था वेफिक्स के ऊपर काम करना चाहिए था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो रन टाइम रखा हुआ है फिल्म का वो काफ़ी लेंदी नज़र आता है तो ये सभी चीज़ें फिल्म की कुछ ठीक ठाक थी वहीं पे कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी तो उन सभी चीज़ों की वजह से अगर फिल्म को देखना है तो देख सकते हो टाइगर नागेश्वर राव फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था बीस अक्टूबर दो को तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में तेलगू मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई पे करीबन सोलह वोट हासिल किए फिल्म ने जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से फिल्म के जो हिंदी डब के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के डुगल स्टूडियोज वालों ने वहीं पे इस फिल्म के जो आ, दूसरे वजन के राइट्स थे वो फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स यानी कि अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ही पास थे पचास करोड़ के बजट के सामने एक मिक्स रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पचास करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल फेलर ही कह सकते हैं जहाँ पे इसके ओ टी टी राइट्स थे वो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे सभी वर्जन के लिए इसका मतलब ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को तमिल हिंदी कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देख सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखनी है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल हिंदी कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में यानी कि ये सभी डब्ड वर्जन के साथ मेन तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी पे इन्जॉय कर पाओगे तो बस दोस्तों टाइगर नागेश्वरा राव फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग तथ्य थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकोगे उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एनालिसिस की हुई है कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म का डीप रिव्यू किया हुआ है अलग अलग इस के ऊपर भी चर्चा कर ली है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू